नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र इस विशेष रिपोर्ट पर। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा शासित एमसीडी पर लगाया आरोप, कहा एसडीएमसी में 50% से ज्यादा बेघरों की पेंशन फर्जी है तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि एसडीएमसी की तरफ से बनाई गई आधी से ज्यादा बेघर पेंशन फर्जी है। भाजपा पार्षदों ने अपने लोगों की नकली पेंशन बनवाई हुई है। एसडीएमसी में बेघरों की पेंशन में बड़े स्तर पर घोटाले का खुलासा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निगम के उच्च अधिकारी ने किया है और क्या क्या कहा सुने। आपको ये बात ध्यान, दिल्ली नगर निगम की तरफ से जितनी पेंशन दी जाती थी, खास तौर पे ओल्ड एज पेंशन जो दी जाती थी, वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती थी, वो साल साल भर वो पेंशन नहीं मिलती थी। साल में कभी एक बार दो बार पेंशन दी जाती थी और पूरे पूरे साल बुजुर्ग और विधवा महिलाएं पार्षदों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे कि पेंशन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि नगर निगम पेंशन नहीं दे पा रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, तो नगर निगम की सारी पेंशन तब से दिल्ली सरकार ने शुरू की। और आपको ध्यान होगा 2017 में एमसीडी को इसमें भी बहुत तकलीफ थी कि नगर निगम की जो पेंशन है उसका डेटा दिल्ली सरकार को नहीं देंगे और बहुत मुशक्कत के बाद ये डेटा दिया गया। और इसमें ये भी खुलासा हुआ, हजारों हजार लोग ऐसे थे जो दिल्ली सरकार से भी पेंशन ले रहे थे और नगर निगम से भी पेंशन ले रहे थे, जिसके कारण फिर न्यायालय ने उन लोगों की पेंशन बंद की और उनको कहा कि आपने जो ज्यादा पैसा वसूल लिया है सरकार से वो आप वापस करें। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन नगर निगम में बंद हो गई थी, मगर अभी भी नगर निगम विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए और खास तौर पे डेस्टिट्यूट कैटेगरी, बेघर लोगों को पेंशन देती है। ये 2017 से शुरू हुई और इसके अंदर हर पार्षद को 400 पेंशन बनाने का काम दिया गया कि आप अपने वार्ड में 400 लोगों की पेंशन बनवा लें। मेयर को 750 पेंशन बनाने के लिए कहा गया और जो बाकी इनके स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, डिप्टी मेयर हैं इत्यादि जो हैं, इनको 500 पेंशन जो है का कोटा इन्हें दिया गया। कुछ दिनों पहले 28 सितंबर 2021 को साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान ये मामला उठाया गया और इसमें इस बात का खुलासा हुआ कि डेस्टिट्यूट की जो पेंशन है इसके अंदर एक बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है। और किसी ने नहीं, दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने इस बात को स्थायी कमेटी में कहा कि लगभग आधी से ज्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन्स नकली हैं, फर्जी हैं। उनके कहने का मतलब ये था, ये वो लोग हैं जो ना तो बेघर हैं ना वो डेस्टिट्यूट हैं, बल्कि पार्षदों ने अपने जान पहचान के लोगों की पेंशन डेस्टिट्यूट पेंशन के नाम पे बनवा रखी हैं और अपने लोगों को हजार रुपए महीने का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अच्छे खासे लोगों को, जिनके पास घर है, कामकाज है, कईयों के पास नौकरियां हैं, बाकायदा उनके पास अपना घर है जहां पे वो रह रहे हैं, उनको डेस्टिट्यूट के नाम से उनकी पेंशन बनवाई गई। हमारा प्रश्न ये है कि जब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारियों को भी मालूम है और वो स्थायी समिति में कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा डेस्टिट्यूट पेंशन फर्जी हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही।
हम मांग करेंगे आज कि डेस्टिट्यूट पेंशन की, खास तौर पे दक्षिण दिल्ली नगर निगम में किस किस की डेस्टिट्यूट पेंशन लगाई गई है, इसकी जांच कराई जाए, इसको वेरीफाई किया जाए। और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, जिन पार्षदों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।